नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील दत्त। आप देख रहे हैं टेक्यू टीम चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप ई कॉमर्स स्टोर, जो वर्डप्रेस में हमने ई कॉमर्स स्टोर बनाया है, और उस पे आप पेमेंट गेटवे सेटअप कर सकते हो, और बाकी चीजें कैसे सेटअप करनी है। तो फर्स्ट वीडियो पार्ट वन बनाया था, पार्ट टू है। तो हमने बात कर ली थी कैश ऑन डिलीवरी, जस्ट आप यहाँ पे चेक करिए और आपकी कैश ऑन डिलीवरी एक्टिवेट हो जाएगी। पेपैल पे कैसे करना है इसको हम सेटअप पे क्लिक करके देखते हैं। तो अब यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है वू कॉमर्स पेपैल। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अपना ईमेल एड्रेस। ये ईमेल एड्रेस कौन सा है जिससे आपने पेपैल पे अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे बोलो क्रिएट ए पेपैल अकाउंट फॉर मी। यदि आपका है तो आप यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक नहीं करेंगे। तो मेरा है, मैं जस्ट कनेक्ट करूंगा। ओके, तो कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको पूछ रहा है आपका यदि अकाउंट पहले से है तो आप यहाँ पे उसके डिटेल डाल दीजिए। यदि नहीं है तो आप वहाँ पे ईमेल एड्रेस डालिए और जस्ट क्रिएट पे क्लिक कीजिए, और बाकी आप अकाउंट क्रिएट हो जाएगा आपका। आपको अलग से पेपैल की वेबसाइट पे जाके और यहाँ पे ये सब चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देता हूँ और लॉगिन पे क्लिक करते हैं ऐसे। ओके, यहाँ पे आ गया है कि टेलस अबाउट योर बिजनेस। आप अपने बिजनेस के बारे में बताना है कि क्या है आपका बिजनेस, इंडिविजुअल है क्या है। मैं जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ, इंडिविजुअल। यहाँ पे देखिए, अभी मेरा अकाउंट इंडिविजुअल था, मतलब पहले नॉर्मल अकाउंट था। बिजनेस में ये हो जाएगा, अपग्रेड हो जाएगा। ओके, यू ओनली पे फीस व्हेन यू मेक इट सेल। जब आपका कोई प्रोडक्ट सेल होगा और उसकी पेमेंट आएगी तभी उस पर क्या करना होगा, आपको चीज़ें बतानी है, मतलब आपका कमीशन कटेगा। ओके, यहाँ पे मैं जस्ट बता देता हूँ। ओके, तो हमने यहाँ पे ये सब डिटेल भर दिया और आप सबमिट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आपने सबमिट किया, यहाँ पे कुछ और भी डिटेल आ गई हैं, अब ये आपको भरनी होंगी। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट मैं भर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैंने पूरी डिटेल भर के और एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है आपको। तो जस्ट एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। ओके, तो एक बार प्रोसेस देखने के लिए, मतलब ऑर्डर करेंगे उससे पहले एक बार आप ये दो चीज़ें और हैं, सेटअप टैक्स और पर्सनलाइज माई स्टोर, इसको और देख लेते हैं। यदि टैक्स रेट आपको कॉन्फ़िगर करनी है तो आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर दीजिए, और जितने भी परसेंट, मान लीजिए जो भी आप गुड सेल कर रहे हैं उस गुड्स पे कितना टैक्स लगना है, क्या लगना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ। यदि आपको करनी है सेटिंग कि भाई इस कंट्री में या इस पिन पे यदि जाता है तो फिर आपका शिपिंग कॉस्ट कितना चाहिए, ये कितना चाहिए, ये कितने चाहिए, ये सारी आप यहाँ पे इंसर्ट रो पे क्लिक कीजिए एक, और ये आ गया आपको। ठीक है, तो आप कंट्री कोड लिख दीजिए प्लस 91, सॉरी यहाँ पे EN IN लिखते हैं, और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं इंडिया। स्टेट कोड ओके, RJ। पोस्टल कोड, यदि मान लीजिए कोई भी है आपका, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक पोस्टल कोड और सिटी है, तो यहाँ पे रेट लगना चाहिए 5%। ओके, टैक्स नेम, मैं जस्ट यहाँ पे टेस्टिंग डाल रहा हूँ, आप कोई भी एक डाल दीजिए। और यहाँ पे आ रहा है चेक वेदर और नोट दिस टैक्स रेट आल्सो गेट अप्लाई टू सिपिंग। क्या शिपिंग जो चार्जेज है उस पर भी आपको अप्लाई करना है? यस करना है, तो ओके, मैंने इसको सेव चेंजेस पे क्लिक कर दिया। ओके, अभी हमारे पास में यहाँ पे एक टैक्स का वो हो गया, यहाँ पे शिपिंग की कुछ करने। अभी वू कॉमर्स की जो सेटिंग है, सेटिंग जो ऑप्शन है इसमें हम आ गए हैं। अब सेटिंग ऑप्शन पे जो भी ऑप्शन आपको आ रहा है इन पे आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ओके ओके, तो ये आपका सेटिंग वाला ऑप्शन है, और यहाँ पे प्रोडक्ट्स, शिपिंग, पेमेंट, अकाउंट एंड प्राइस और इससे रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स है वो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से ऐड कर सकते हैं।
ठीक है, तो अभी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या जितने भी लोगों ने ये जो कोर्स है इसको सब्सक्राइब किया है, तो आप लोग एक बार इसको इनेबल करके देखिए। और अब मैं जो बताने वाला हूँ कि एक बार इसको हम क्या करेंगे, अपने जो वेबसाइट बनी है उस पर एक बार पेमेंट करके देखते हैं ये नाइक शूज ही। ठीक है, और तो मैं एक बार एड्रेस कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हम करते हैं इसका प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पे वेबसाइट आ गई है और यहाँ पे शॉप पे जाता हूँ मैं। शॉप पे क्लिक किया, नाइक शूज आ रहे हैं, इसको ऐड टू कार्ट करते हैं। यस, ओके, हैज बीन एडेड कार्ट। व्यू कार्ट पे जाते हैं। देखिए थीम अभी है ना अच्छी नहीं है, मतलब कलरफुल, आप जैसी कलरफुल चाहते हैं वैसी थीम आप इसको बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, मेरे पास में दो ऐड हो गए, तो इसको आप हटा देते। देखिए यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी आ रहा है, पहले यहाँ पे कुछ एरर मैसेज आ रहा था, और पेपैल से भी आप पे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है यू कैन पे विद योर क्रेडिट कार्ड इफ़ यू डोंट हैव ए पेपैल अकाउंट। ओके, तो हम यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी कर रहे हैं और यहाँ पे डिटेल दे देते हैं। ठीक है, कंट्री ओके, जो स्टार जहां पे लगा है वो आपको भरना ही है, ये आपको पता ही है। और प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करते हैं। ओके, जैसे आपने किया यहाँ पे आ रहा है थैंक यू योर ऑर्डर हैज बीन रिसीव्ड, एंड ऑर्डर नंबर आ गया, यहाँ पे आपका मेल आ गया, और टोटल कितना है कैश ऑन डिलीवरी। हमने दो वाइट शूज मंगाए हैं, ठीक है, एक का कॉस्ट था 1800 और यहाँ पे फ्री शिपिंग है, कैश ऑन डिलीवरी है। ओके, ये आ गया आपके एड्रेस के साथ में। तो ये था कि कैसे मतलब ये प्रोडक्ट अभी रेडी है सेल आउट होने के लिए। तो अब आप देखते हैं कि मेरे पास में ऑर्डर कहाँ पे आते हैं ना, क्योंकि मान लीजिए कि आपके पास में ऑर्डर आ गए तो आपको मेल भी आना चाहिए कि ये ऑर्डर आए हैं, और जो कस्टमर है उसको भी मेल जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिक होती है। अब यहाँ पे देखिए ऑर्डर पे, यहाँ पे एक आ गया, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑर्डर दिख जाएगा। ओके, तो ये होता है प्रोसेस कि कैसे कस्टमर बाई करता है और आपको फिर ऑर्डर यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे आ रहा है ना प्रोसेसिंग 1 मिनट अगो, यहाँ पे इसकी डिटेल सीधी आप देखना चाहेंगे तो पूरी डिटेल आपको दिख जाएंगी कि कौन सा प्रोडक्ट ऑर्डर किया गया है, उसकी इमेज क्या है, और जो भी बाकी डिटेल्स यदि आपने सेलेक्ट की हैं तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पे आ जाती हैं। ओके, अब यहाँ पे ऑप्शन आता है कि यदि आप यहाँ पे चाहते हैं कि ऑर्डर नोटिफिकेशन या जो भी चीज़ें हैं ये आपको भेजनी है या कुछ भी करना है, तो यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। आप जितने भी लोगों ने रजिस्टर्ड किया हुआ है कोर्स के लिए, जो वीडियो देख रहे हैं, आप एक बार अपना स्टोर सेटअप कीजिए, प्रोडक्ट ऐड करिए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके बाद में आपको यदि कोई इश्यू आता है, मैंने सारी बातें कर ली, प्रोडक्ट कैसे ऐड करना है, शिपिंग एड्रेस मतलब आपका स्टोर का एड्रेस, और उसको कस्टमाइजेशन कैसे करना है, पेमेंट गेटवे कैसे इंटीग्रेट करना है, अलग से पेटीएम का पेमेंट गेटवे जो है उसका इंटीग्रेशन के लिए मैं अलग से बाद में बात करूंगा। वूकॉमर्स के भी प्लगइन्स आते हैं जो पेटीएम के साथ में इंटीग्रेट करते हैं, मतलब आपको यहाँ पे जो पेमेंट गेटवे दिख रहे थे यहाँ पे, अभी हमको पेमेंट गेटवे में पेटीएम नहीं दिख रहा था, वो दिखेगा कब, जब आप अलग से उसका प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये सब आ रहे हैं ना, यहाँ पे आपको एक अलग से एक और आ जाएगा पेमेंट पेटीएम करके, यदि आपने पेटीएम का पेमेंट गेटवे इंटरफेस लिया या किसी का भी लिया है तो। ओके, तो ये था इस वीडियो में, और हमने एक ई कॉमर्स स्टोर बना लिया है यूजिंग वर्डप्रेस, और आप एक बार बना के देखिए, यदि कोई इशू आता है तो आप व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पर या कमेंट करके आप बता सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।